जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एसएल ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। जी हाँ, आइए देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न यहाँ से आते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में किया था। यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1901 से हुई। वहीं बात करें, अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। तो डायनामाइट की खोज कब और किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में। वहीं बात करें, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? वो नोबेल पुरस्कार है। अगर भारत की बात करें तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, जबकि दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। वहीं और नोबेल पुरस्कारों के बारे में बात करें तो प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। और वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अब तक केवल 2 बार, जी हाँ, अब तक केवल 2 बार मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरी एक्सेल कार्ल फोल्डर को 1931 में, और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हैमरसोल्ड, जी हाँ, डेग हैमरसोल्ड को 1961 में दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार अब तक कितनी बार दिया जा चुका है मरणोपरांत? तो अब तक 2 बार दिया जा चुका है, केवल 2 लोगों को ही दिया गया है। एक 1931 में दिया गया और दूसरी बार मरणोपरांत पुरस्कार 1961 में दिया गया। जी हाँ, ये है रोचक जानकारियाँ नोबेल पुरस्कार से संबंधित। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जी हाँ, 1974 में ये नियम बना दिया गया कि अब मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया जाएगा। तो किस वर्ष ये नियम बना दिया गया कि नोबेल पुरस्कार अब किसी को मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा? तो 1974 में ये नियम बनाया गया। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया। तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार कितनी बार दिया गया? 3 बार। पहली बार 1917 में, दूसरी बार 1944 में और तीसरी बार 1963 में दिया गया। वही बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुषों में शामिल है लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष की आयु में, और महिला में मलाला यूसुफजई मात्र 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। और वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो सबसे अधिक उम्र में यानी 90 वर्ष की आयु में लियोनिद हरक्विज ने नोबेल पुरस्कार जीता। इन्हें वर्ष 2007 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक ऐसा पहली बार हुआ जब नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। और वहीं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दो दो बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो उसके लिए ट्रिक दिया गया, मैली जॉन फ्रेंड, ऐसे ही याद करें। मै से होगा मैडम क्यूरी, ली से होगा लीनस पॉलिग, और जॉन से होगा जॉन बार्डिन, और फ्रेड से हो जाएगा फ्रेडरिक सिंगर। जी हाँ, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दो दो बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मैडम क्यूरी को पहली बार 1903 में और दूसरी बार 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं लीनस पॉलिग की बात करें तो पहली बार 1954 में और दूसरी बार 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और वहीं बात करें जॉन बार्डिन की, तो जॉन बार्डिन को पहली बार 1956 में नोबेल पुरस्कार मिला था और दूसरी बार 1972 में, जबकि फ्रेडरिक सेंगर को पहली बार 1958 में और दूसरी बार 1980 में नोबेल पुरस्कार मिला था। जी हाँ, तो ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर हम ये बात करें कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? जी हाँ, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसको याद करने के लिए ट्रिक है, इसको ट्रिक को जरूर देखिए। सच, भर, आशा,
यह है ट्रिक याद करने का तरीका। सा से होगा साहित्य, चा से चिकित्सा, भा से भौतिकी, रा से रसायन, आ से अर्थशास्त्र और सा से शांति। यह है नोबेल पुरस्कार, कुल मिला के 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और वहीं बात करें भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में बात करें, तो आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करें कि कब और किस सन में और किस क्षेत्र में और किस भारतीय को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जी हाँ, सन याद करना सबसे कठिन काम है। आइए इसको याद करते हैं और हमेशा के लिए हम याद कर पाएंगे। जी हाँ, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं को याद करने के लिए शानदार ट्रिक जरूर देखिए, पूरा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे बोलना है इसको। हरगोविंद दास जी ने 68 दिन में 79 माताओं का 30 CV सुबह 83 लोगों के सामने बनाया, तो उनकी 1 बिटिया और 9 बेटवा 98 दिन के लिए अमर होकर 14 दिनों के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। जी हाँ, बस यही आपको याद करना है। अगर ये लाइनें आपको याद हो जाएं, ये जो 3-4 लाइनें हैं याद हो जाएं, तो आपको सन हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा भी जाता है, तो बहुत ही रोचक ट्रिक है, आप जरूर इसको याद कर पाएंगे। फिर से एक बार देखते हैं। हर गोविंद दास को नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में। अब हरगोविंद दास को 1968 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। लिखा हुआ 79 माताओं, कितनी माताओं का सीवी, 79 माताओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मदर। तो 79 को समझना है 1979, और माताओं से क्या हो जाएगा, मदर टेरेसा। यानी कि 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 30 CV। 30 का मतलब ये समझना है 1930, सीवी से समझना है सीवी रमन। यानी कि 1930 में सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुबह 83 से क्या समझना है, देखो सुबह से समझना है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और 83 से समझना है 1983, इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और एक बिटिया केवल याद हो गया, एक बिटिया, तो एक का मतलब हो जाएगा 2001, बिटिया का मतलब विद्या, वी से बिटिया, वी से विद्या, यानी विद्यासागर न्यायपाल। तो 2001 में विद्यासागर न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। वहीं बात करें 9 बेटवा, कितना बेटवा, 9 बेटवा, 9 से समझना है 2009, कितना समझना है 2009, बेटवा से समझना है वेंकट क्या समझना है, वेंकट रमन। यानी कि 2009 में वेंकट रमन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिएगा क्या लिखा है, 98 दिन के लिए अमर होकर, कितने दिन के लिए अमर हुए थे, 98 दिनों के लिए अमर होकर, 98 से समझना है 1998, अमर से क्या समझना है, अमृत सेन। यानी 1998 में अमृत सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए क्या लिखा, 14 दिनों के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। 14 का मतलब 2014, और कैलाश का मतलब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये है तरीका याद करने का, एक बार फिर से याद करते हैं। हरगोविंद दास जी ने कितने दिन में, 68 दिन में, कितनी माताएं, 79 माताओं का, कितना सीवी, 30 CV, सुबह कितने लोगों के सामने, 83 लोगों के सामने बनाया, तो उनकी कितनी बिटिया, 1 बिटिया, कितना बेटवा, 9 बेटवा, कितने दिन के लिए अमर होकर, 98 दिनों के लिए अमर होकर, कितने दिनों के लिए कैलाश पर्वत पर गए, 14 दिनों के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। तो ये है तरीका, ये है रोचक ट्रिक याद करने का तरीका, अब इसे आप सन सहित कभी नहीं भूलेंगे। और बात करें, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात नहीं की गई है और अभिजीत बनर्जी के बारे में बात नहीं की गई है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इसका डिटेल्स नीचे देख लीजिए, ये पूरा डिटेल्स दिया गया है। अगर आपको वहाँ से नहीं समझ में आया ट्रिक, तो आप ये डिटेल्स देख लीजिए, पूरा डिटेल्स पूरा दिया गया है। अब हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के अभिजीत बनर्जी तक। जी हाँ, पूरा जानना बहुत जरूरी है।
अगर बात ये किया जाए कि अब तक कुल कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला, तो अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है। सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, जी हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष मिला, 1913 में मिला। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता ही नहीं, प्रथम एशियाई भी थे नोबेल पुरस्कार विजेताओं में। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को तथा 2014 में कैलाश सत्यार्थी नवा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। और वहीं बात करें 2019 में भारत का 10वां नोबेल पुरस्कार अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में मिला। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।